एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहां हम कभी कभी कहते हैं, तू सारा होता कौन है मेरे मामले में दखल अंदाजी करने वाला, तू सारा होता कौन है मुझे राय देने वाला, तू सारा होता कौन है ये कहने वाला। फ्रेंड्स, किसी को गाली देना गंदी बात है, हमें किसी को गालियां नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको ऐसे सेंटेंसेस सुनना या बोलना पड़ सकता है। तो आइए देख लें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है, यानी कैसे बोलना है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप सबसे पहले कहेंगे यू ब्लडी फूल, हाउ डेयर यू टू। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तू सारा होता कौन है सलाह देने वाला, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू ब्लडी फूल, हाउ डेयर यू टू एडवाइज मी। अगर आपको कहना हो तू सारा होता कौन है इस मामले में दखल अंदाजी करने वाला, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू ब्लडी फूल, हाउ डेयर यू टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। यानी तू सारा होता कौन है इस मामले में दखल अंदाजी करने वाला। मान लीजिए अगर किसी को कहना हो तू सारा होता कौन है यह कहने वाला, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू ब्लडी फूल, हाउ डेयर यू टू से दिस। यानी तू सारा होता कौन है ये कहने वाला, तू सारा होता कौन है मुझे डांटने वाला, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू ब्लडी फूल, हाउ डेयर यू टू स्कॉल्ड मी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो तो वहाँ आप कहेंगे यू ब्लडी फूल, हाउ डेयर यू टू। उसके बाद आप बोलेंगे वो एक्शन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप उस वर्ब के बाद उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। मैंने यहाँ जो सेंटेंसेस लिया हुआ है इनमें से अगर आपको सुनने में कोई ऑड लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।